नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी रिसेंटली नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी ने दो साइट्स को रेकमेंड किया है कि इन्हें मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर किया जाना चाहिए ये दो साइट्स हैं संकल्प भूमि बैनियन ट्री कैंपस ये गुजरात के वडोदरा में स्थित हैं यहाँ पे डॉक्टर अम्बेडकर ने नाइनटीन में ये रिजॉल्व लिया था कि वो अनटचबिलिटी को इंडिया से इराडिकेट करके रहेंगे दूसरा साइट जो है ये महाराष्ट्र के सातारा डिस्ट्रिक्ट में है यहाँ पे बी आर अम्बेदकर जी ने प्राइमरी एजुकेशन रिसीव किया था इन प्रताप राव भोसले हाँ स्कूल। तो इन दोनों साइट्स को ही डिक्लेयर किया जाना चाहिए एस मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस ऐसा नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी का रिकमेंडेशन है तो इन ये जो प्रपोजल है इसे प्लेस किया गया है बिफोर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी की बात अगर हम करें तो ये एक अथॉरिटी है जो काम करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एक एक्ट है एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्क्योलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स ए एम ए एस आर अमेंडमेंट एंड वैलिडेशन एक्ट 2010 इसी एक्ट की प्रोविजंस के ऊपर बेस करके नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी को इस्टेब्लिश किया गया था देश की जो भी इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं साइट्स हैं इन्हें प्रोटेक्ट करना इन्हें प्रिजर्व करना इस अथॉरिटी का मैंडेट है इंडिया के जो सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं इसके इर्द गिर्द जो एरियाज हैं यहाँ पे कई सारी एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड होती हैं ये एरियाज रेगुलेटेड होती हैं नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी जो है वो इन एरियाज को मैनेज करती है अगर इन प्रोहिबिटेड और रेगुलेटेड एरियाज में कोई कंस्ट्रक्शन करना है तो परमिशन जो है उसको देने के से पहले इवेलुएशन जो होता है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन अलाउ किया जा सकता है कि नहीं ये भी डिसाइड करता है नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी